हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा, ये जो मैंने APS के एडमिशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो उसके नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि फ़ीस का बता दें, चलान का बता दें, क्या कुछ है। अच्छा, मैं रहती हूँ लाहौर में, ठीक है ना, तो ये सिटी वाइज शायद फीसेस का जो अमाउंट है कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो लाहौर की जिस ब्रांच में जायशा पढ़ रही है उस ब्रांच की जो फीस है ना पर मंथ, इनकी जाती है 2 मंथ्स की, तो ये है 22,500। अब ये 2 मंथ्स की फ़ीस एक साथ जमा होती है, सबमिट होती है, और इनकी जो फीसेज है ना वो 3-4 बैंक्स हैं उनमें होती है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है HBL, अस्करी बैंक, बैंक अल्फला और बैंक अल हबीब लिमिटेड। इन 4 बैंक्स में इनकी फ़ीस जमा होती है, तो डायरेक्ट डाटा चला जाता है स्कूल वालों को कि जी फीस सबमिट हो गई है। अगर आप इसके अलावा किसी और बैंक में सबमिट करवाते हैं फ़ीस, तो फिर आपको उसकी पेड चलान की स्लिप जो है जमा करवानी पड़ती है स्कूल में, क्योंकि उनको डायरेक्ट डाटा नहीं जाता। स्कूल को यही लगता है कि अभी फ़ीस बच्चे की आपने पे कर दी है, लेकिन उनको लगता है अभी पे नहीं हुई, तो वो बच्चों का नाम स्ट्रक ऑफ वगैरह के लिए चला जाता है। और अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि शायद फीसेस पे नहीं कर रहे थे पेरेंट्स, क्योंकि 2 मंथ्स की एक साथ जाती है। तो पहले जो इनकी फ़ीस पे जो फ़ाइन था वो सिर्फ 300 था, और अब जो उन्होंने फ़ाइन है ना बढ़ा के एकदम से 1,000 कर दी है, क्योंकि शायद फ़ीस का इशू आ रहा था। और ये हमें इशू हुई है 3 दिसंबर की, और आज लास्ट डेट है 19 दिसंबर, इसकी ड्यू डेट है। इसके बाद आपको मतलब अगर हम कल भी सबमिट करवाएंगे तो उस पर हमें फ़ाइन पड़ेगा 1,000 का, और 26 के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फ़ाइन तो पड़ेगा सो पड़ेगा, बच्चे का नाम भी स्ट्रक ऑफ हो जाएगा स्कूल से। ये इन्होंने नया रूल इंट्रोड्यूस करवाया, पहले नहीं था, क्योंकि पहले शायद इतना मसला नहीं बन रहा था फीसेस वगैरह का। अब क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ईजी हो गए वो कर लिया है, हम लोग भी लेट फीस जमा करवा देते थे वैसे, हमें भी कोई इतना मसला नहीं होता था, लेकिन अब 1,000 फ़ाइन हो गया, तो हमने कहा नहीं जी टाइम से करा जाते थे जाके, वरना यही हम 1-2 दिन एवं फजूल में लेट कर देते थे, क्योंकि जी फ़ाइन इतना नहीं है, फ़ाइन इतना नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सिटी टू सिटी मैं बार बार बता रही हूँ, सिटी टू सिटी वेरी करता है, कहीं पे फ़ीस थोड़ी कम होती है, कहीं पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और अब जो इनका 2023 का जो सेशन है उसकी फ़ीस भी अपग्रेड होगी, इसमें 1,500 ऐड हुआ होगा, बढ़ जाएगी फ़ीस, इन बच्चों की भी बढ़ती है। लेकिन यह कि जो इन क्या कहते हैं स्कूल की, ये नहीं होगा कि जो न्यू सेशन है वो ज़्यादा फ़ीस दे रहा है और ओल्ड सेशन जो है वो कम फीस वे कर रहा है, फ़ीस सबकी सेम ही होती है। ये नहीं है कि आपका बच्चा प्ले ग्रुप में आएगा तो जी मेरे बच्चे की कम फीस, आपके बच्चे की ज़्यादा फीस है, फ़ीस सेम ही होगी सबकी। लेकिन ये इनकी सबमिट 2 मंथ्स की एक साथ होती है, ये नहीं है सीन के जी आप मंथ ही करवा लें, वो नहीं होता, आपने 2 मंथ्स की एक साथ ही पे करनी है। और बाकी जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी, जैसे सिटी टू सिटी कह रहे थे, और ये भी काफ़ी लोगों ने पूछे हुए थे कमेंट्स में कि जी हर सिटी का जो एडमिशन डेट होगी आप वहाँ पे जाएं, उनके स्कूल जाएं, वहाँ से पूछें, कहीं कहीं सेशन लेट शुरू होता है, कहीं जल्दी शुरू होता है, वो इसलिए कि कहीं सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं 3 मंथ्स की, कहीं गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं, तो इस वजह से फ़र्क आ जाता है उनका सेशन स्टार्ट होने में और हमारा सेशन स्टार्ट होने में। प्लस ये है कि किसी भी क्लास में इनके एडमिशन हो सकते हैं, इनके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि इनका आर्मीज़ का भी एक अपना ख़ास सीट्स होती हैं और सिविलियंस की भी होती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लिमिटेड सीट्स हैं तो आपने साथ ही अप्लाई करना है। और जो एडमिशन के टेस्ट का पूछ रहे थे, तो जब आप फॉर्म लेने जाते हैं वो एक छोटा सा परफॉर्मा देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ टेस्ट में आएगी बच्चे को, आपने वो परफॉर्मा अपनी क्लास के हिसाब से उनको बता के ले लेना है, और वो परफॉर्मेंस पे जो भी लिखा होगा, जो भी डिटेल्स दी होंगी क्लास वाइज, जैसे मैंने जायशा की उसमें वीडियो बनाई थी कि अगर प्ले ग्रुप की आपने टेस्ट लेने तो उसमें बेसिक क्या सवाल आए थे, वैसे ही हर क्लास का, अगर कोई 1 का एडमिशन टेस्ट दे रहा है तो उसने 1 के लिहाज से उसको उसने टेस्ट प्रिपेयर करना है, वो परफॉर्मा आपने स्कूल से लेना है, वो आपने उसके हिसाब से बच्चे को टेस्ट की तैयारी करवानी है। और टेस्ट हर क्लास का ही होता है, प्ले ग्रुप से लेके आपने व्हाटसोएवर मैट्रिक तक या आगे कॉलेज जहाँ भी करवाना है आपने एडमिशन, सबका टेस्ट होगा, और टेस्ट इनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उस पर आपने खासी बच्चे की मेहनत करवानी है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल थोड़ा सा सिलेबस वेरी करता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब हम बैंक के बाहर खड़े हुए हैं, हम अस्करी बैंक में जो है ना ये देखें करवाने जा रहे हैं, ये DHA वाली ब्रांच है, तो हम इधर आए हैं, अब इधर से जाके ना मैं फ़ीस जमा करवा के आती हूँ। अच्छा जी, ये अब मैं चलान फ़ी पे कर रही हूँ, ये चलान है मेरे हाथ में और ये इसकी फ़ीस पे हो गई हुई है,
और अब हम लोगों ने मेरे ख़्याल से इसकी एक स्लिप स्कूल में सबमिट करवानी है, और क्या कहते हैं, अब इससे रिलेटेड कोई भी और बात हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करें, मैं फिर उस पे भी वीडियो एक बना दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतनी अपडेट्स हैं, अभी फ़िलहाल लाहौर के एडमिशन ओपन की कोई वो अपडेट नहीं आई। मेरे ख्याल से जनवरी के बाद जब स्कूल खुलेंगे, री ओपन होंगे, तब कुछ पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि एडमिशन ओपन हो गए हैं और चलान वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके वो भी मैं एक वीडियो कर दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कोई न्यू अपडेट होगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट्स में बताएं आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर और कोई सवाल पूछना मुझसे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज़।